राम दोस्तों, कैसे हैं आप? विशाल स्पोर्ट्स लॉकडाउन स्पेशल में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग आज विदाउट किसी इक्विपमेंट्स के चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट एट होम शीर्षक में। सबसे पहले हम लोग डिप्स मारेंगे। मैंने बहुत से जिम में देखा है, लोग बहुत वाइड एंगल का डिप्स लेते हैं जो कि हमारे शोल्डर पे बेस होता है। हमें अपनी चेस्ट की मसल्स पे वर्कआउट करना है। शोल्डर के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। इसके लिए जो हमारी शोल्डर की विथ है, इससे थोड़ा सा कहीं बस ज़्यादा लेकर के हमें डिप्स मारना है। और ये डिप्स जस्ट लाइक फ्लैट बेंच के रूप में आप यूज़ करेंगे। वो हमारे चेस्ट के पैरेलल आना चाहिए, ना आगे और ना पीछे। तो मेरा चेस्ट का एंगल शोल्डर के हिसाब से ये फ्लैट बेंच में 1 पूरा स्ट्रेच कीजिए, देन स्क्वीज। बॉडी को बैलेंस रखिएगा, जिसमें बॉडी मूव नहीं करनी है। गाइज, ये हमारी फ्लैट डिप्स हुई, जस्ट लाइक ये फ्लैट बेंच। इसके आप 3 to 4 सेट कर सकते हैं। पहला वार्म अप सेट कीजिएगा, जिसकी रिपीटेशन एटलीस्ट 20 होनी चाहिए। दूसरे सेट की रिपीटेशन 15, तीसरे की 12, और चौथा जो आपका सेट रहेगा वो 10 रिपीटेशन के साथ कंप्लीट कीजिएगा। ये हम लोगों ने फ्लैट डिप्स मारी फ्लैट बेंच के लिए। गाइज, इसके बाद हम लोग इंक्लाइंड बेंच करेंगे, जिसको मैं 30 से 45 डिग्री के एंगल में रखता हूँ विदाउट इंस्ट्रूमेंट। उसका वर्कआउट गाइज हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। आपके घर में कोई बेंच, कोई स्टेप, सीढ़ी कुछ भी होगी, उसको आप अपने इसको भी हमें चेस्ट के लेवल पे ही रखना है, शोल्डर के लेवल पे नहीं। यहाँ हम स्ट्रेच करेंगे, यहाँ हम स्क्वीज करके ब्रीथ आउट करेंगे अपने मुंह से। इसके भी हम लोग 4 सेट करेंगे, 15, 12, 10 और 8 के। आफ्टर डैट हम डिक्लाइन पोजीशन की बेंच करते हैं। उसके लिए हम घर पे अपने उसी स्टेप पे ही पैर रख के करेंगे जो डिक्लाइन पोजीशन पे रहेगी। गाइज, ये हमारी तीनों बेंच का अल्टरनेट वर्कआउट एट होम लॉकडाउन स्पेशल विशाल स्पोर्ट्स के तहत आपको बताया है। कल नई जानकारियों के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। इन सारी एक्सरसाइज को करिए, मजबूत बनिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्रणाम दोस्तों।